अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको भीड़ से हट के कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट सक्सेस यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपको वो नहीं करना है जो सारी दुनिया करती है, बल्कि आपको वो करना है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते। जब भी किसी जॉब की वैकेंसी आती है तो बहुत सारे लोग उस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब उसी को मिलती है जिसके रिज्यूमे में पावर होता है, जिसके रिज्यूमे में रेलिवेंस होता है, जिसको अपने आप को प्रेजेंट करने आता हो, जो भीड़ से हटकर कुछ ऐसा करे जो रिक्रूटर के नज़र में आ जाए। हम जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ हम अपना रिज्यूमे भेजते हैं और रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, तब तक पता चलता है कि वैकेंसी भी फुल हो गई। हम अपने रिज्यूमे को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अपने रिज्यूमे को सही से मार्केटिंग नहीं करते, हम अपने स्किल्स को सही से शो अप नहीं करते, जिससे कि हमारा रिज्यूमे कहीं ना कहीं दब कर रह जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कवर लेटर की। कवर लेटर ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे पहले रिक्रूटर एम्प्लॉयर के पास पहुँचता है और वो आपको एक चांस देता है आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करने का कि आप इस जॉब के लिए बेहतर कैंडिडेट कैसे हो। कवर लेटर एक सेल्फ इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है जो आपके जॉब एप्लीकेशन की मार्केटिंग करता है और आप उस जॉब को पाने में सफल हो जाते हो। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश रोशन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वायरल इन्फो वार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर फॉर रिज्यूमे बनाना सीखेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कवर लेटर को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर के पास उतना टाइम नहीं होता कि आपके लेंदी कवर लेटर को पढ़े। आपको अपना कवर लेटर को 4 से 5 लाइन में बना करके आपको सिंपल से ये शो कर देना कि व्हाई यू आर परफेक्ट मैच फॉर दिस जॉब। जैसे फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं डियर सर या डियर हायरिंग मैनेजर, या आप हायरिंग मैनेजर का नाम जानते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर मोहन या जो भी नाम है। अगले लाइन में आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन योर करेंट ओपनिंग, फिर जो ओपनिंग का जो नाम होगा, जॉब टाइटल का जो नाम होगा, जैसे टेक्निकल रिक्रूटर है या कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है आई एम हैविंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, या जो भी एक्सपीरियंस है आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्निकल रिक्रूटर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इस लाइन को यानी एक्सपीरियंस वाले लाइन को नहीं लिखना है, आगे जो लाइन है उसको आपको लिखना है। तो अगला लाइन आपको लिखना है आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दिस वैकेंसी इज परफेक्ट मैच ऑफ माई स्किल्स एंड नॉलेज या एबिलिटी एंड नॉलेज। अब आपको इस मैटर को जस्टिफाई करने के लिए उसी पैराग्राफ में आपको आगे लिखना है As you can see my attached resume, I have relevant experience in the very same area that you are looking for. Now, next paragraph में आप लिखेंगे I believe that I can make a valuable contribution to your stream organization. यहाँ तक तो friends आपने अपनी बात कह दी, आगे आप hiring manager से क्या expect करते हैं उसको आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे I would welcome an opportunity for a personal interview to discuss your organizational needs एंड रिजल्ट्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स और आपका जो स्किल्स है दोनों जब तक मैच नहीं होगा तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। आगे आपको लिखना है आई लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू, फिर आप नीचे में लिखेंगे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, फिर अपना नाम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, दैट्स इट। अब सारे लाइन्स को इकट्ठा करके आप देखो कि आपका कवर लेटर कितना अच्छी तरह से बन चुका है। आपने बिल्कुल शॉर्टकट में अपनी पूरी बात कह दी। इस कवर लेटर का यूज आप कई जगह कर सकते हो, आप नौकरी प्रोफाइल बनाने के लिए कर सकते हो, मोस्टर में कर सकते हो, टाइम्स में कर सकते हो, यहाँ तक कि आप किसी को रिज्यूम अटैच करके भेजते हो उस मेल बॉडी पे भी आप इस कवर लेटर को लिख सकते हो। कवर लेटर चाहे 1 पेज का हो या 2 पेज का हो या 5 लाइन का हो, सबका मकसद एक ही होता है, सबको फोकस एक ही बात पे होता है कि व्हाई यू आर परफेक्ट मैच फॉर दिस जॉब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।